रही है शादी सुमन और रणवीर की, बन गए हैं दोनों दुल्हा दुल्हन और सज गया है उनकी शादी का मंडप। और देखो दुल्हा दुल्हन ने फेरे लेना भी आरंभ कर दिया है। मगर ये क्या, फेरे के वक्त दुल्हन का बेटा भी माँ की गोद में साथ साथ फेरे ले रहा है। सच में एक विवाह ऐसा भी सीरियल का टाइटल शायद इस शादी के कारण ही तो नहीं रखा गया था। जैसे इस शो का नाम है एक विवाह ऐसा भी, तो फाइनली जो एक विवाह ऐसा है वो विवाह होने वाला है इस शो में, जो रणवीर और सुमन का है। और डेफिनेटली आप लोगों को एपिसोड्स में पता चलेगा कि भाई ये एक विवाह ऐसा क्यों है। शादी वाले दिन ही मेहंदी रचाई जा रही है सुमन के हाथों में। देख ही सकते हैं कि ये पूरा टायर, मतलब ये रेड चुन्नी जो बहुत हैवी है विथ पिंक बॉर्डर, देन दिस पूरा लहंगा, इट्स अ वेरी गुड वर्क दे हैव डन। देन दिस इज जोधा अकबरी नेकलेस, फिर ये भोरा कहते हैं, आई डोंट नो द नेम ऑफ दिस ज्वेलरी, बट ये कुछ अलग अटायर उन्होंने दिया है। तो बेसिकली ये हम लोग इंदौर के हैं, तो थोड़ा सा राजस्थानी इंदौरी मिक्स करके गेटअप तैयार किया है। और जरा सिंदूरा को देख लीजिए, भले ही वो इस शादी से खुश ना हो लेकिन सजने संवरने में कोई कसर बाकी नहीं रखती है। शादी में ट्विस्ट तो आएगा ही, जहां सिंदूरा हो उसके कातिल अदाओं से भी ज्यादा खतरनाक उसके इरादे हों, वहां भला सब कुछ बिना ट्विस्ट के कैसे संपन्न होगा। मगर फिलहाल तो इस बात से अनजान दूल्हा दुल्हन अपनी खुशी जता रहे हैं। फाइनली शादी हो रही है, जो शो का नाम है एक विवाह ऐसा भी, तो फाइनली आई गेस 4 महीने बाद ऑडियंस को ये विवाह देखने के लिए मिलेगा। एंड पता है इस विवाह में एक बहुत अच्छा ट्विस्ट है, रणवीर वीर से बहुत अटैच्ड है जो बच्चा है, और सडनली एक ट्विस्ट आएगा जहाँ पर मैं रिवील कर देता हूँ कि रणवीर बोलेगा कि शादी हो गई लेकिन अब ये बच्चा हमारे साथ नहीं आ सकता। तो ये एक बहुत बड़ा ट्विस्ट है और इसके बाद एक अलग ही ट्रैक शुरू होगा। सो आई एम वेरी एक्साइटेड कि अब फाइनली शादी हो रही है और जो एक्चुअल स्टोरी है वो अब शुरू होने वाली है। सुमन और रणवीर अग्नि को साक्षी मानकर फेरे ले रहे हैं, मगर इस शादी के बाद ही उनकी असली अग्नि परीक्षा शुरू होगी। सीरियल की असली कहानी अब शुरू होगी। कैमरामैन प्रकाश पाटिल के साथ ABP न्यूज रिपोर्ट। ये है ABP न्यूज, आपको रखे आगे।